हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये क्लास इलेवेंथ और नीट यहाँ पर नीट कर लीजिएगा, नीट और जेई, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और बहुत ही मैं आपको इतना इजी वे में पढ़ाऊँगा कि आपको एक ही बार में न्यूमेरिकल पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन हुज वेवलेंथ इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आइए इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लैम्डा की बात कर लेते हैं तो लैम्डा हमें कितना गिवन है, तो यहाँ पे बच्चों लैम्डा की बात कर लेते हो तो लैम्डा गिवन है हमें 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू है। ओके, और ये है किस में, तो एंगस्ट्रॉम में, ये एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो अब एंगस्ट्रॉम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में, तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -10। अब ये क्या हो गया, ये मीटर में हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला हमारा यूज़ होगा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, है ना। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी रेडिएशन फाइंड करना है, इट मीन्स यहाँ पर हमको ई की वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो एच की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो एच इज इक्वल टू होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, आप देखो, और सी की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम फार्मूले का यूज़ करेंगे, हमें ई फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ई इज़ इक्वल टू तो एच की वैल्यू कितनी थी, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और सी कितना था, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा कितना था, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -9 सॉरी 10 था, 10 मीटर में है। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ से पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट कैंसिलेट हो जाएगा, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा क्या हो जाएगा, ई इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा ई इज़ इक्वल टू 6 3 जा 18 1 19 इंटू 10 की पावर, ये देखिएगा माइनस का 34 प्लस का 8, तो 4 चला गया बचा 30, यानी 10 की पावर -26। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया होगा। अब नीचे देखिएगा क्या बचेगा, 5 इंटू 10 की पावर -10, पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो ई इज इक्वल टू 198 इंटू 10 की पावर -26 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, और अपॉन में कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जब पावर लेस हो जाएगी तो कितना बचेगा बच्चों, तो ई इज़ इक्वल टू 198 इंटू 10 की पावर -16 अपॉन में 5। ठीक है, तो आप देखिएगा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं, 198 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो
थ्री टाइम में जाएगा, 5 3 जा 15 कितना बचा यहाँ पर, 4 8। अब देखिएगा 9 टाइम में, 9 5 जा 45 और यहाँ पर कितना बचेगा, 3। और अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, ओके 0 बढ़ाएंगे तो कितने टाइम में जाएगा, ये 6 टाइम में जाएगा, है ना, ये कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में। तो देखिएगा E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 39.6 इंटू 10 की पावर -16, ठीक है। और ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, E इज इक्वल टू 3.96 इंटू 10 की पावर -15 जूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर रहा, ठीक है, सबको समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज 10^7 ईवी, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, लैम्डा निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है E इज इक्वल टू HC अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर दिया क्या है, तो देखिएगा यहाँ पर अब हमें सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है, ठीक है, इतना होता है। तो देखिएगा जब हम E निकालेंगे, E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होगा, अब देखो क्या दिया गया है, 10^7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, 10^7 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना दिया गया था, 1.602 इंटू 10^-19 जूल, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब H की वैल्यू आप सभी जानते हैं, 6.6 इंटू 10^-34, है ना, जूल सेकेंड। और C, यहाँ पर C भी पता है आपको कि 3 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 8, प्लस की 8 होगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम फार्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। देखिएगा E की वैल्यू कितनी गिवन हमें, तो देखिएगा E की वैल्यू हमें क्या गिवन है, E की वैल्यू है 10^7 इंटू 1.602 इंटू 10^-19। और देखिएगा हाँ, ये E की वैल्यू इज इक्वल टू में, H कितना है भाई, तो H हमें 6.6 इंटू 10^-34 और C कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8। और हमें क्या करना है, लैम्डा फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 10^12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा 1.602 इंटू 10^ कितना हो जाएगा, ये प्लस का 7 तो माइनस का 12 बचेगा यहाँ पर, ओके। और इधर देखिएगा कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 व 19 पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर, और 10^ देखिएगा कितना बचेगा, 34 और इधर 8, इट मीन्स माइनस का 26, है ना, अपॉन बे लैम्डा। अब क्या करेंगे बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, 19.8 इंटू 10^-26 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा
1.602 × 10⁻¹². ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो, हम पावर्स को ऊपर ले जाएंगे, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1.9×10⁻², और नीचे वाला जाएगा प्लस का हो जाएगा 10^12 अपॉन में क्या बचेगा 1.602, इतना बचा है ना। अब देखो ये पावर क्या हो जाएगी, हम इसको इधर देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर बचेगा लैम्डा इज इक्वल टू कितना बचेगा 1.9×10⁻¹। अब देखो माइनस का कितना बचेगा, 12 चला जाएगा, तो 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4, और इधर कितना बचेगा 1 अपॉन में 1.602। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 1.24 × 10⁻¹³। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज 10 MeV, वॉट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर रेडिएशन क्या होगा, तो देखो यहाँ पर हमें जैसे हमें पता है कि 1 eV इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1.602 × 10⁻¹⁹ होता है। ठीक है, और 1 mEV इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁶ होगा, 7 नहीं होता है 6, और ये होता है ईवी। ओके, तो यहाँ पर 10 mEV बराबर 10 mEV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1.602 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा तो हम e की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, e की वैल्यू हो जाएगी 1.6×10⁻¹² हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिएगा हमें e की वैल्यू पता चल गई, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, e इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ से लैम्डा फाइंड करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है, और तो e की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, 1.6×10⁻¹² इज इक्वल टू h कांस्टेंट वैल्यू 6.6×10⁻¹⁴ इंटू c की वैल्यू 3×10⁸। ओके, देन लैम्डा हम लोग फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1.6×10⁻¹² इज इक्वल टू, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 = 19 पॉइंट लगा देंगे, और 10⁻¹ हो जाएगा −26 अपॉन में लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू देखिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.9×10⁻¹⁶ अपॉन में 1.6×10⁻¹². ओके, सो अब इसको देखिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 1.24
इंटू 10^-13 -13 मीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।